वेलकम टू माय चैनल एस के नॉलेज क्लास। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मूल ज्ञात करना, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने। ठीक दोस्तों, सवाल है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स प्लस वन बराबर जीरो के मूल ज्ञात करें, या आप लोग को रहेगा गुणनखंड करें, शून्य ज्ञात करें। एक ही चीज़ है दोस्तों, ठीक, सबको एक ही तरीका से बनाते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। दोस्तों हमें समीकरण क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स प्लस वन बराबर जीरो। यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों कि इसको गुणनखंड करने पर जो है ना जल्दी नहीं टूटेगा। ठीक, तो इसको एक और तरीका से हम लोग बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले पहले विवेचक निकाल देंगे और उसके बाद एक्स का मान निकालेंगे। तो विवेचक पहले, इसमें ए बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है ए होता है, तो यहाँ नहीं कुछ तो एक तो है दोस्तों। उसके बाद बी, बी होता है एक्स का जो गुणांक है, तो क्या है, माइनस दो रूट दो, माइनस दो रूट दो। उसके बाद सी, सी होता है अचर पद यानी कि लास्ट वाला जो है वन। अब हम लोग क्या करेंगे, डी निकाल देंगे यानी कि विवेचक। सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक, अगर गुणनखंड नहीं टूटे तो आप इस तरीका से बना सकते हो, और सबसे आसान तरीका ये। ठीक, बी, बी की जगह क्या है, माइनस दो रूट दो, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस फोर ए सी, ए की जगह क्या है एक और सी की जगह भी एक। अभी क्या हो जाएगा, दो का स्क्वायर चार, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, गुना रूट दो का स्क्वायर दुए, क्योंकि स्क्वायर आने पर रूट हट जाता है, माइनस चार का चार, यानी कि क्या हो गया, चार दुनी आठ घटा चार क्या बचा, चार। डी कितना निकल गया, चार। अब एक सूत्र होता है दोस्तों, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे टू ए, याद रखिएगा आप लोग सूत्र, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों कि माइनस बी, माइनस बी, बी के स्थान पे क्या है, माइनस दो रूट दो, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, क्योंकि एगो माइनस यहाँ है ना, तो दो रूट दो प्लस माइनस, प्लस माइनस रूट डी, रूट डी, डी के स्थान पे क्या है दोस्तों, चार है, बटे दो गुना ए, ए के स्थान पे क्या है एक है। ठीक, अब देखिए क्या आ जाएगा, दो रूट दो प्लस माइनस चार का क्या निकल जाएगा, दो वर्गमूल निकल जाएगा, बटे दो का दो। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें से दो कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ रूट दो प्लस माइनस, यहाँ ने कुछ तो वन, बटे दो, दो दो कट गया। अब क्या बच गया दोस्तों कि रूट दो प्लस माइनस वन। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट दो प्लस वन, एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार रूट दो माइनस वन, दोनों लिख दिए, यही एक्स का मान निकल गया, मूल्य निकल गया। इस तरीका से आपको बनाना, अगर गुणनखंड नहीं हो तो आप इस तरीका से आसानी से मूल ज्ञात कर सकते हैं, शून्य ज्ञात कर सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए।